कोरोना संकट के कारण सावन के पावन माह में शिल्पांचल के शिव भक्त इस बार जलाभिषेक के लिए नहीं जा पाए। उन श्रद्धालुओं को घर बैठे काशी विश्वनाथ एवं महाकाल ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन कराए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर एवं उज्जैन महाकाल के आधिकारिक साइट के सौजन्य से लाइव दर्शन करें। शामपुर पुलिस स्टेशन के तहत बाग बाजार के वृंदावन लेन में एक बूढ़े व्यक्ति की मौत हो गई। पड़ोसियों के संदेह के बिना शव लगभग 6 घंटे तक जमीन पर पड़ी रही। अभी तक यह पता नहीं चला है कि बूढ़े व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई थी, लेकिन पुलिस पड़ोसियों के रवैये से चिंतित है। घंटे में 10 बीघा खेत जलमग्न हो गए। नुकसान लाखों रुपए की फसल का है। किसानों ने अपनी जमीन खो दी। नदिया के शांतिपुर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। सूत्रों के अनुसार नदिया शांतिपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 के चरसागर क्षेत्र में लगभग 10 बीघा खेती योग्य भूमि एक घंटे में नष्ट हो गई। इस साल गंगा का कटाव पहले नहीं है। हर साल मानसून की शुरुआत के बाद से गंगा के कटाव का स्तर एक बार में बढ़ गया है। शांतिपुर थाना क्षेत्र के हरिपुर ग्राम पंचायत, नरसिंहपुर ग्राम पंचायत, बिलघरिया ग्राम पंचायत नंबर 1 और ग्राम पंचायत नंबर 2 में अत्यधिक गंगा कटाव देखा जा सकता है। हर साल बीघा जमीन गंगा में डूब जाती है। न केवल भूमि बल्कि हर साल 100 से अधिक घर गंगा से प्रभावित होते हैं। प्रशासन द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया है। मिदनापुर जिले के दीघा मुहाने में 60 किलो की एक बड़ी मछली छील शंकर को पकड़ा गया। यह बाजार में लगभग 1 लाख रुपए के मूल्य के साथ 2,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है। इस दिन विशाल चील शंकर मछली को देखने के लिए स्थानीय लोग और पर्यटक इकट्ठा होते हैं। उत्सुक पर्यटक फिर से इस विशाल चील शंकर मछली की तस्वीरें लेने में व्यस्त है। मछुआरों ने कहा कि विशाल मछली सोमवार को दीघा मोहल्ले में मछली नीलामी केंद्र में पकड़ी गई थी। इसे लाखों रुपए से अधिक में बेचा गया है। वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय ने कहा कि वह भाजपा के साथ है और इसके साथ ही रहेंगे। उन्होंने नेतृत्व के साथ उनके मतभेद की खबरों को दुर्भाग्यपूर्ण और भ्रामक करार दिया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रॉय ने कहा कि वह अटकलों से आहत हुए थे। उन्होंने कहा, मैं भाजपा के साथ हूँ, मैं भाजपा के साथ था और मैं भाजपा के साथ रहूंगा। रॉय ने वापस तृणमूल कांग्रेस में लौटने की अटकलों को खारिज किया। रॉय ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर वर्ष 2017 में भाजपा का दामन थाम लिया था। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, भाजपा ने मुझे पश्चिम बंगाल में पंचायत और लोकसभा चुनावों में पार्टी के अभियान की निगरानी करने की पूरी जिम्मेदारी दी थी। केंद्रीय नेतृत्व में ने मुझे पूरा सम्मान दिया है, मुझे क्यों निराश होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में रॉय ने कहा कि उनका भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ कोई मतभेद नहीं है। पंडाल थाना अंतर्गत श्रीरामपुर ग्राम में स्थित दामोदर नदी में 4 युवक के डूबने से हड़कंप मच गई। घटना करीबन सोमवार की सुबह की है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि नदी में डूबे 4 युवक सोमवार को सावन के चौथे सोमवारी पर दामोदर नदी में स्नान कर वहां से जल लेकर मंदिर में पूजा करने जाने वाले थे। आपको बता दें कि नदी में डूबे चारों युवक गोपाल माठ के रहने वाले थे। चारों युवकों ने इस वर्ष की उच्च माध्यमिक परीक्षा में काफी अच्छे अंक प्राप्त किए थे। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर चारों युवकों की तलाश में जुट गई है।
आसनसोल के व्यवसायी संगठनों ने तृणमूल लीगल सेल के अध्यक्ष शांतनु मुखर्जी को सम्मानित किया। व्यवसाय संगठन की तरफ से सुब्रतो दत्तो ने कहा, शांतनु हमारे घर का लड़का है, इसलिए व्यवसाय संगठन को बहुत ही खुशी हुई है। व्यवसाय संगठन उनके इस पद से हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी बहुत गड़बड़ चल रही है, हम लोगों को भी लीगल एडवाइजरी की जरूरत पड़ती रहेगी। यह अच्छी बात है कि शांतनु मुखर्जी को तृणमूल जिला लीगल सेल का एडवाइजर बनाया गया है, आज हम लोगों ने इनका सम्मान किया है।